फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। उन्हें तरह तरह के खाने का मन करता है। कभी जंक फूड खाने का मन करता है, कभी मिठाई खाने का मन करता है, कभी किसी फ्रूट्स के लिए उनका मन करता है। परंतु हमें ना अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए हमेशा हेल्दी खाना ही खाना है, और हमें सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी अपनी डाइट में ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के समर स्पेशल फूड का इंग्रेडिएंट है आम। आज हम आम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट महिलाएं आम खा सकती हैं या नहीं, और वो कितनी मात्रा में आम खा सकती हैं। आम के फ़ायदे एवं नुकसान के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि प्रेगनेंसी टिप्स। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के दौरान आम खा सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको इसको सीमित मात्रा में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो आपको अपनी डाइट में आम को ज़रूर ऐड करना है। इसके अंदर प्रोटीन, फैटी एसिड, फॉलिक, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जो माँ और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ना बहुत हेल्दी माने जाते हैं। इसलिए आपको आम को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें एक दिन में कितना आम खाना चाहिए, कितनी मात्रा में आप आम खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आधा कप कटा हुआ आम आप एक दिन में खा सकते हो, या फिर आम का साइज छोटा है तो उसको आप पूरा भी ले सकते हो, लेकिन वो पूरे दिन में लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक सुबह ले लोगे, एक दोपहर को, एक शाम को, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में आपको सिर्फ स्मॉल साइज़ का एक आम खाना है। अगर वो मीडियम साइज़ का है तो उसको आप आधा खा सकते हो, अगर आम का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको आपको 1/4 पार्ट करके ही खाना है। एक दिन में उसका 1/4 पार्ट ही आप खाएंगे, इससे ज़्यादा आप आम नहीं खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना कैलोरीज बहुत पाई जाती हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लोगे तो आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते ही आम को खाना है। तो अब हम जानेंगे आम के फ़ायदों के बारे में। तो नंबर एक होता है, अनीमिया से बचाव करता है। आम के अंदर विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ ही आम के अंदर आयरन भी पाया जाता है। तो अगर आप ना अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर आम को अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपको कभी भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी नहीं होगी। नंबर दो होता है, भ्रूण के विकास में सहायक। आम के अंदर फॉलिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अगर आप आम खाते हो तो यह आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत सहायक होगा, और साथ ही बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे को भी कम करता है। तो आपको आम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर खाना चाहिए। नंबर तीन होता है, पाचन में करे सुधार। आम के अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर की मौजूदगी के कारण यह पाचन को सुधारने में काफ़ी हद तक मदद करता है। यह गर्भावस्था में होने वाली कब्ज से भी राहत दिलाता है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आम खा रहे हो, अपनी डाइट में आम ऐड कर रहे हो, तो आपको कब्ज से भी राहत मिलेगी और आपके ये पाचन को भी सुधारेगा। नंबर चार होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। आम के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो भ्रूण के विकास में सहायता करता है। नंबर पाँच होता है, मॉर्निंग सिकनेस से दिलाए आराम। आम के अंदर विटामिन B6 मौजूद होता है जो हमारी मॉर्निंग सिकनेस को दूर करता है। साथ ही आम के अंदर मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए से भरपूर फल है। तो अगर हम आम को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में कि आम हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो नंबर एक होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की वजह से वजन बढ़ने की समस्या रहती है। तो आपको इसको सीमित मात्रा में ही खाना है, इसको ज़्यादा नहीं खाना है। नंबर दो होता है, अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर तीन होता है, अगर आप
इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4 होता है आम से अगर आपको एलर्जी है तो इसकी वजह से आपको ना त्वचा में खुजली और सूजन की समस्या भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये थे आम के फ़ायदे और नुकसान। तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप सोच समझ के आम को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और आम को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, ऐसा नहीं है इग्नोर नहीं मानना, ये बहुत अच्छा फल माना जाता है, लेकिन आपको इसे सीमित मात्रा में खाना है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।